फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेन गुरु। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें से अलग अलग पार्ट का क्या क्या नाम होता है, इसके बारे में आज आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को गौर से देखें और सारे पार्ट्स का नाम को याद रखें। फ्रेंड्स एक और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जो क्रेन तो ऑपरेट करते हैं बट उसके बारे में अगर हम लोग उससे पूछ देते हैं उस ऑपरेटर से कि इस पार्ट का क्या नाम होता है, इसका किस तरह से यूज किया जाता है, कैसा है इसका ऑपरेट करने का क्या फंक्शन होता है, क्या मकसद होता है ऑपरेट करने का, तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हमको मिल जाते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर में जो वो उसके बारे में क्लियरली नहीं बता पाते हैं। सो फ्रेंड्स उनसे भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारे इस वीडियो को देखें और सीखें। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस बोर्ड के ऊपर में ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन का पूरा फिगर बनाया हुआ है और उसका नाम भी दिया हुआ है कि किस पार्ट का क्या नाम होता है। सो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है और इसमें लगा होता है दो अलग अलग केबिन बने होते हैं। यह ट्रक के चेसिस के ऊपर में ये दोनों केबिन फिटेड होते हैं। ये होता है ड्राइविंग केबिन और इस ड्राइविंग केबिन के थ्रू में हम इस मशीन को इस क्रेन को चला करके हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं और वहां पर हम काम करते हैं। फ्रेंड्स दूसरा आता है ये ऑपरेटिंग केबिन। इस ऑपरेटिंग केबिन के ऊपर बैठ करके यहाँ जो सीट होता है इस पे अंदर बैठ करके और ये इसके ऑपरेटिंग लीवर दिए होते हैं, इस ऑपरेटिंग लीवर के थ्रू हम लोग सारे काम को करते हैं, पूरे क्रेन को हम लोग ऑपरेट करते हैं जैसा हमको काम करने का जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से। सो फ्रेंड्स इसमें मैंने दो अलग अलग इंजन नहीं दिखाया क्योंकि ट्रक माउंटेड में आपको दो अलग अलग इंजन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इस डायग्राम में मैंने सिंगल ही इंजन दिखाया है जो ड्राइविंग के लिए जो मेन इंजन है वही इंजन के थ्रू हम लोग इसका ऑपरेटिंग को भी मैंने यहाँ डायग्राम पे दिखाया कि उसी इंजन का यूज किया जाता है क्रेन को ऑपरेट करने के लिए। फ्रेंड्स ये जो केबिन है ड्राइविंग केबिन से हम मशीन को ड्राइव करके जब ले करके जाते हैं जहां पर हमारा ये क्रेन का काम होने वाला है वहां पर लेकर के जाने के बाद हम लोग इस आउटरिगर जैक और जो रैम पिन होता है इस रैम पिन के थ्रू हम लोग क्रेन को लेवल करते हैं और लेवल करने के लिए यहां पर वाटर लेवल का एक मार्किंग दिया हुआ रहता है। वाटर लेवल उस वाटर लेवल को देख करके हम चेसिस को ठीक 0 डिग्री के एंगल पे 0-0 करके हम उसको लेवलिंग कर लेते हैं। लेवलिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस चेसिस के सामने में इस तरफ में नीचे के साइड से कुछ लीवर दिए हुए रहते हैं जो हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं और वो लीवर काम करता है सिर्फ और सिर्फ आउटरिगर जैक और रैम पिन को बाहर निकालने के लिए ताकि चेसिस को लेवल किया जा सके। और लेवल करने के दौरान में क्या होता है जो ये व्हील लगे होते हैं ये व्हील जमीन को टच नहीं करते, जमीन के ऊपर ही रहते हैं, यानी ये किसी भी तरह पूरा का पूरा जो वेट होगा वो रैम पिन और आउटरिगर जैक के ऊपर में चला जाता है, व्हील के ऊपर इसका किसी भी तरह का वेट नहीं देता है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है रैम पिन और आउटरिगर जैक के थ्रू हम लोग इस मशीन के चेसिस को हम लेवल कर लेते हैं और लेवल करने के बाद में हम इसका ऑपरेटिंग केबिन के थ्रू क्रेन को ऑपरेट करते हैं। पर क्या है इसका सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यानी जो हमारा ड्राइविंग इंजन होता है उस ड्राइविंग इंजन को ऑपरेटिंग इंजन में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका जो पावर होता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस केबिन के अंदर एक लगा होता है पीटीओ यानी पावर ट्रांसफर टू ऑपरेट। इसका पावर ट्रांसफर टू ऑपरेट का जो सिस्टम होता है इसको जब हम ड्राइविंग सिस्टम में डालते हैं तो हमारे जो में जो लगी हुई इंजन है वो ड्राइविंग के लिए काम करती है और उसी इंजन को अगर हम इसमें आपको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें ऑपरेटिंग के लिए तो यहाँ पर ये हमारा जो इंजन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जुड़ करके और हमारा काम को करने लगती है। तो जैसे ये वो इंजन हमारे लिए क्या है एक मोटर के थ्रू काम करने लगती है यानी जो हमारे मशीन में जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसको खींच करके देना शुरू कर देती है और जैसे हम यहाँ पर लीवर को ऑपरेट करते हैं इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वो रेस करती है इंजन को और स्लो करती है। सो फ्रेंड्स ये सब काम करने के बाद हम लेवलिंग कर लेते हैं मशीन को आउटरिगर जैक और रैम पिन के थ्रू बाहर निकाल करके। फ्रेंड्स इस काम के लिए एक ध्यान दिया जाता है छोटा सा कि ये जो आउटरिगर जैक जहां पर जिस जगह पे हमारा पड़ रहा है वो एरिया लेवल होना चाहिए और वो जरा सख्त होना चाहिए ताकि
जब इस पर वेट पड़ेगा तो वो जमीन वहां पर दबना नहीं चाहिए। दबने से क्या होगा कि ये लेवल गड़बड़ हो जाएगा और मशीन का वेट जो होगा वो वन साइड होकर के वो पलटने के कगार पे आ जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जो कुछ भी करने का जरूरत पड़ता है आप कर सकते हैं। आप मोटे आयरन प्लेट को भी रख सकते हैं या दूसरे कुछ का जुगाड़ कर सकते हैं। यानी जमीन जहां पर ये हमारा आउटरिगर जैक जहां पर लगने वाला है उस बेस प्लेट को, बेस प्लेट के नीचे में हम लोग डाल सकते हैं कुछ ऐसा ठोस चीज जिससे कि वो जमीन उस हिस्सा का दबे नहीं। सो फ्रेंड्स, ये सब काम करने के बाद में हम यहाँ पर चढ़ जाते हैं क्या जो हमारा ऑपरेटिंग केबिन होता है। उसमें जाने के बाद हम धीरे धीरे यहाँ जो बूम स्टैंड होता है, इस बूम स्टैंड के ऊपर में ये बेसिक बूम लगा होता है और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑपरेट करते हुए इसको पहले बूम को ऊपर के तरफ में लिया जाता है और उसके बाद धीरे से टेलीस्कोपिक बूम वगैरह खोल करके जो हमारा लेंस चाहिए उस काम को करने के लिए ये सारा कुछ हम लोड चार्ट के हिसाब से मशीन को हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम ऑपरेट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा होता है एक स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर जो काला सा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये स्विंग मोटर होता है जिसमें दांत बने होते हैं, एक सर्कल होता है उसमें दांत बना हुआ रहता है और ये स्विंग मोटर हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू ऑपरेट होता है जो घूमता ही रहता है और घूमते घूमते उस स्विंग जो रिंग होता है उस रिंग को पकड़ करके और पूरे केबिन को घुमाता है। यानी यहाँ से लेकर के ये जो पूरा ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पार्ट स्विंग करता है मशीन। ये जो निचले वाला हिस्सा है ये वहीं पर खड़े रहेगी और ये 360 डिग्री के एंगल पर आप इसको स्विंग करा सकते हैं, आप किधर से भी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, किधर से भी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस तरह का जो यहाँ पर हमने खोल करके और इतना लंबा कर लिया है, टेलीस्कोपिक बूम का लेंथ को हमने बढ़ा लिया है, तो ये वन साइडेड वेट क्यों नहीं हो जाता है, वन साइड वेट लेकर के ये मशीन पलटती क्यों नहीं। फ्रेंड्स, उसका जवाब होता है कि उस वेट को संभालने के लिए यहाँ पर लगा होता है काउंटर वेट। ये काउंटर वेट इस काम को बैलेंसिंग के लिए लाने के काम में आता है। ये काउंटर वेट होता है जिसमें जो लोहे का बना होता है और जिसके थ्रू क्या होता है इसका वेट बहुत ज्यादा होता है और ये वेट बहुत ज्यादा का मतलब ये कि जो क्रेन का कैपेसिटी होता है जितना ये खुल करके जाने वाला है उससे बहुत ज्यादा नहीं होता है बल्कि इसके अंडर ही रहता है। सो ये काउंटर वेट इसको बैलेंसिंग में लाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे क्रेन आपको, हैवी कैपेसिटी वाले क्रेन आपको मिल जाएंगे जो काउंटर वेट पहले तो यहाँ पर इसके साथ में केबिन के साथ में टच किया हुआ रहता है, बट जब हम क्रेन को ऑपरेट करते हैं या हैवी लोड जब हम उठाते हैं तो उस समय जब हम देखते हैं कि ये बहुत नजदीक अगर रहेगा तो फिर भी के काउंटर वेट होने के बावजूद भी ये क्रेन वन साइड वेट लेकर के और ये पलटी नहीं कर जाए, इसके लिए हम लोग क्या किया जाता है, इस काउंटर वेट को वहां से इसका भी हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर लगा होता है और उसको ऑपरेट करके हम क्या करते हैं कि ये केबिन के नजदीक से निकाल करके कुछ दूरी तक ले आते हैं, यानी उसको हम पीछे खिसका देते हैं। पीछे खिसकाने से क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास होता है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास ये क्या करता है कि वेट को दूर ढकेलने के बाद में वो ज्यादा ताकत इस तरफ में लग जाता है तो फिर आगे जो बूम के सहारे पर जो हम लगने वाला जो फोर्स होता है इसको बैलेंस करने में मदद करता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार का भी हम इसको यूज करते हैं, बट छोटे क्रेनों में क्या होता है जो 25 टन या 30 टन या 35 टन की जो क्रेने होती हैं उसमें ये इस प्रकार का सिस्टम ना भी मिल सकता है कि ये फिक्स है और उस काम को कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर इसमें लगा होता है और ये हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर के थ्रू इस बूम को संभाला जाता है। फ्रेंड्स, ये हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर मैंने यहाँ पर सिंगल दिखाया है पर ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे का पूरे जो जितने भी कैपेसिटी के क्रेने होते हैं हैवी कैपेसिटी का उनमें सिंगल ही यूज होता है, उनमें सिंगल भी यूज हो सकता है, डबल भी यूज हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक से दो भी हाइड्रोलिक जैक सिलेंडर यूज किया हुआ हो सकता है कि उसमें फिटेड हो और ऑपरेटर आसानी से यूज कर रहा है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार जो हम खोल करके यहाँ पर दिखाया हुआ है कि टेलीस्कोपिक बूम बाहर निकला हुआ है ये ऐसा ऑपरेटर के मर्जी पर नहीं होता है कि वो कितना भी खोल करके और अपने मर्जी से वो निकाल करके टेलीस्कोपिक बूम और उस काम को कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका सेफली यूज करने के लिए होता है लोड चार्ट। हर एक मशीनों का अपना अपना लोड चार्ट होता है कि वो लोड चार्ट किस प्रकार का, कि आपका बेसिक बूम कितना है उसमें टेलीस्कोपिक बूम अगर आप टोटल खोलेंगे तो कितना होगा, सो उसके हिसाब से वो लोड चार्ट होता है, लोड चार्ट के देख करके और उस काम को किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अगर ये 55 टन का कैपेसिटी वाला क्रेन है, ये 55 टन
के लिए लिफ्ट कर सकता है। जब ये हमने अभी भी दिखाया है कि ये ड्राइविंग केबिन है, ड्राइविंग केबिन के साइड से किसी भी तरह का हम इस प्रकार से उठा करके और काम को करने के लिए बहुत ही अनसेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स यहाँ से गिर सकते हैं, लूज होकर के पहले से लूज होगा और ऑपरेटिंग करने के टाइम में गिर सकता है तो केबिन को नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज क्या होता है कि 55 टन के जॉब को उठाने के लिए यह मशीन को यहाँ से आप इसने बूम को उठाया, उठा करके आप जस्ट इसके पीछे के तरफ में ले आया, पीछे साइड में लाने के बाद में आप टेलीस्कोपिक बूम को एक इंच भी नहीं खोलना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बूम के थ्रू उसको लिफ्ट करना है। और बेसिक बूम का एंगल कितना होना चाहिए जो आपके क्रेन में जो लोड चार्ट है उस लोड चार्ट में दिया हुआ है कि मैक्सिमम आप कितना डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं। ये मैक्सिमम हाई लेवल पे ले जाने के बाद, इसको मैक्सिमम ऊपर के तरफ में उठाने के बाद ये 55 टन के वेट को लिफ्ट कर सकती है। यानी आपको समझ में आया होगा कि टेलीस्कोपिक बूम ये मैक्सिमम अगर हम इस क्रेन का कैपेसिटी 55 टन मानते हैं तो ये 55 टन कहां से कब उठाएगी, किस कंडीशन में, कि टेलीस्कोपिक बूम जरा भी नहीं खुला रहेगा, सिर्फ बेसिक बूम के मदद से ये उठाएगी, ताकि वो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगता है और ये नजदीक से होता है। यानी अगर आप देखेंगे कि ये इसको मैक्सिमम आपने ऊपर के तरफ में ले लिया, डिग्री आपने बना लिया है मैक्सिमम डिग्री, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मीटर का दूरी रहेगा, जॉब से लेकर के चेचिस तक की दूरी 3 से 4 मीटर की दूरी रहती है और वहां से इस जॉब को उठाता है, 10 टन के लोड को वो लिफ्ट कर सकता है आसानी से। लेकिन लिफ्ट करने के बाद में आप इस क्रेन को स्विंग ना कराएं तो ही अच्छा है, स्विंग कराने से बचें। अगर आपको आपको मालूम है कि ये हैवी कैपेसिटी का है और हमारा क्रेन उतना ही कैपेसिटी का है तो ये लेवल पर आ जाता है, आपका उसमें जो लगा हुआ सेंसर आपको दिखाता है कि ये हैवी लोड लिफ्ट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर जरूरत बहुत ज्यादा ही होता है तो ही आप उसको करें, और किस तरह से आपको करने का है कि मशीन को आप उस जगह पे लगा करके और आपने उस वेट को उठा लिया, उठा करके और अगर उसको कहीं ले करके जाना है तो आप क्या करेंगे, ट्रकें वो होती हैं या दूसरे जो उसमें होती हैं उसके ऊपर में आप इसको सीधा सा उठा करके, ऐसा आपने उठाया गाड़ी लग गई और उसके चेस आपने लोड कर दिया और वो लेकर के चली गई। फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो SWL होता है यानी सेफ वर्किंग लोड जो होता है, सेफ वर्किंग लोड हमको इस तरह के काम को करने के लिए परमिशन नहीं देता है। वर्किंग लोड जो हमारा परमिशन देता है वो क्या होता है कि जितना आपका क्रेन का जो कैपेसिटी होता है इससे 10% 15% कम ही वेट को लिफ्ट करने का परमिशन देता है, वही उसके लिए मैक्सिमम वेट हो जाता है। और तब आप उस वेट को जब उठाएंगे तो केबिन के अंदर लगा जो सेंसर होता है वेट आपको जो बताता है वो वेट जो सेंसर होता है उसका लाइट ग्रीन ही आएगा, और अगर आप उससे ज्यादा अगर लिफ्ट करेंगे तो वो लाइट रेड हो जाता है और आपको इंडिकेट करता है कि इस काम को ना किया जाए तो अच्छा है। वो ये होता है कि जब आप इस मशीन का अपने क्रेन का काम कर लिया, अब इसको दूसरे जगह पे लेकर के जाना है तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, जब ये बूम ऊपर के तरफ में होता है तब आप उसको क्लोज कर लें। जब ये बूम ऊपर के तरफ में है तो आज ज्यादा आसानी से ये बूम क्लोज हो जाता है, और इसमें कारण क्या होता है कि ये ऊपर के तरफ में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये इसके वजह से वेट के वजह से ये बहुत ही आसानी से और ये स्लोली स्लोली ये आसानी से अंदर हो जाता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार का एक और आता है कि आप बूम को कैसे खोलें, जब आप बहुत कम डिग्री पे बनाए हुए हैं यानी यहाँ से बूम स्टैंड से उठा करके आपने बूम को ऊपर के तरफ में लेना शुरू कर दिया, आपने जरा सा लिया है अभी यानी 30 डिग्री 35 डिग्री के एंगल पे बनाया, उसी टाइम पे आप इस बूम को खोल लें तो ज्यादा बेटर होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, वहां पर ओवर स्मार्ट बनते हैं कि किस प्रकार का कि ये इसने यहाँ से बूम को बेसिक बूम को जैसे ऊपर उठाया, बूम को उठा करके मैक्सिमम डिग्री पर ले जाते हैं और वहां से धड़ल्ली इसको खोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बूम तो आसानी से खुल रहा है, आपने देखा है कि वहां पर खुल रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है मशीन को बहुत ज्यादा फोर्स लगाने का जरूरत पड़ रहा है, वो उसके वेट आ गया है इस तरफ में यानी जो हमारा स्विंग मोटर है इस तरफ में वेट आ जाता है, और इसके आने की वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर उसको ताकत लगाने का जरूरत पड़ रहा है और तब वो बूम खुल रहा है। लेकिन उसी अगर हमने बूम को नीचे की तरफ में रख करके और अगर हम ओपन करते हैं
बूम हम खोलते हैं टेलीस्कोपिक बूम का, लेंथ को बढ़ाते हैं तो बहुत ही आसानी से वो बाहर की तरफ में निकलता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है कि जब हम इस काम को कर लिया, हमारा जो वहां का काम था वो खत्म हो गया, अब दूसरे साइड पे जाना है, तो वहां पर हम जाने के लिए क्या करेंगे, जाने से पहले हम इसको बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद में जैसे बंद करने के साथ में जो हमारे ये इधर पे रोप खुला हुआ रहता है, होस्ट ब्लॉक डाउन रहता है, हम इसको भी साथ में क्लोज कर सकते हैं, यानी हम होस्ट ब्लॉक को ऊपर की तरफ में भी लेंगे और ये बूम को क्लोज भी करते रहेंगे, तो दोनों काम हमारा साथ साथ भी हो जाता है। अगर आप इस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो इसको करने के बाद में हम स्लोली यहाँ पर ला करके ये जो बूम स्टैंड होता है, बूम स्टैंड के ऊपर में इस प्रकार से ला करके बूम को स्लोली हम उधर पे होल्ड करा देते हैं। होल्ड कराने के बाद में ये यहाँ पर आगे आकर के यहाँ होल्ड हो जाता है, यहाँ रुक जाता है, यानी हमारा जो ड्राइविंग केबिन है ठीक उसके सामने में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि हुक को फंसाने के लिए एक जगह बना होता है, तो यहाँ पर अगर आप उस हुक को फंसा करके और स्लोली इसको आप क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, धीरे 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 होस्ट का लीवर को ऑपरेट करते हैं, होस्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि उस जगह पे हुक को ऐसा ऐसा फंसा हुआ है इधर से या इधर से फंसा हुआ है, और ये इसको आप ऐसा करके एक फोर्स डाल करके और छोड़ देते हैं, ताकि जो आप ड्राइविंग करके लेकर के जाएंगे तो हुक हील करके किसी चीज को डैमेज नहीं करे, या सामने वाले जो कोई अगर आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको डैमेज ना करे, इसके लिए हम वहां पर हुक को फिक्स करके और उसके बाद लेकर के जाना सेफली होता है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो कुछ लीवर, चार आपको यहाँ पर अलग अलग लीवर दिख रहा होगा, इसमें से एक लीवर होता है बूम अप एंड डाउन के लिए, जो आप एंगल को आप फिक्स करते हैं बूम को उठा करके, दूसरा होता है टेलीस्कोपिक बूम ओपन एंड क्लोज के लिए, ये ओपन और ये क्लोज का सिग्नल होता है, तो ये ओपन के ओपन करने और क्लोज करने के लिए, तीसरा होता है स्विंग करने के लिए, जो आप किसी सामान को उठा करके और उसको आप स्विंग करा रहे हैं, वहीं से स्विंग करा करके किधर देना है उधर आप देते हैं, तो ये स्विंग करने का लीवर होता है। और चौथा जो लीवर होता है वो होता है रोप के लिए, यानी वेट को उठा करके लिफ्ट करने के लिए और देने के लिए या डाउन मारने के लिए। सो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो लीवर दिया हुआ है, इस लीवर को ये कहते हैं टू इन वन लीवर, यानी एक लीवर में दो फंक्शन। फ्रेंड्स, आने वाले जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार का कि इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो लीवर यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में आप सबको जानकारी दिया जाएगा कि किस प्रकार किस किस तरह का लीवर होता है, उसका फंक्शन किस किस डायरेक्शन में कैसा कैसा होता है, उसके बारे में टोटल जानकारी दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह आपके सामने में था ये ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन का पूरा फिगर और उसके अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी विद नेम। एक और चीज आपको अंतिम में आपको एक कि जब हम इस तरह का काम को करते हैं तो जिस एरिया में हम काम कर रहे होते हैं वहां खुल्ला खुल्ला यूं ही नहीं रखते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं कि बैरिकेड कर देते हैं, जितने दूरी से हमारा काम को होने वाला है या वहां पर कोई दूसरा आदमी एंट्री ना करे, इसके लिए वहां पर चारों तरफ से आप बैरिकेड कर देते हैं। जैसे हमारा काम यहाँ से चल रहा है तो इतने दूरी से हम इसको बैरिकेड कर देते हैं चारों तरफ से, ताकि कोई अननोन पर्सन वहां पर एंट्री ना हो जाए और वो किसी हादसे का शिकार ना बन जाए इसके लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इस प्रकार के जो ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन या ऑटो हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन जो होती है उनमें किस तरह का कौन से प्रकार का लीवर का यूज किया जाता है, उसके बारे में आप सबको विस्तार रूप से जानकारी दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।